this session basically has a two critical objective. ये कॉन्वर्सेशन विद सी ओज है. नंबर वन कि पाकिस्तानी यूथ को पास डायरेक्शन नहीं है. दे हैव अ टैलेंट एंड द सी ओज वी सीक फ्रॉम सी ओज एज अ मेंटोर टू गाइड अवर यूथ रिगार्डिंग अ डायरेक्शन कि विच डायरेक्शन दे शुड टेक. एंड सेकेंड पीपल नीड इंस्पिरेशन एनर्जी बिकॉज दिस इज द एज ऑफ स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी एंड डिप्रेशन. तो हम सी ओज को एज अ मेंटोर एक रोल मॉडल के तौर पर हम उनसे टॉक्स करते हैं और अपनी उनकी जर्नी ताकि पाकिस्तानी जो बच्चे हैं यूथ है जो पाकिस्तान के जो 15 करोड़ जो 25 साल से कम उम्र के बच्चे हैं जिनको ये मुल्क है असल में तो उनको हम गाइडेंस और उनको इंस्पिरेशन दे सकें. तो आज की जो मेरे दोस्त गेस्ट हैं वो आसिफ मिसबा साहब हैं पाकिस्तान की बहुत बड़ी फार्मास्यूटिकल कंपनी वेक्टर के सीईओ हैं. तो हम इनसे ज़रा दो चार बातें करते हैं रिगार्डिंग इनकी जो पाकिस्तान के हवाले से कुछ वेक्टर के हवाले से फार्मा के सेक्टर के हवाले से और लास्ट इनकी लीडरशिप के हवाले से. सर आसिफ भाई थैंक यू फॉर योर टाइम. मिलकर खुशी होती है किसी एंटरप्रेन्योर को और खो जैसे बंदे जो पाकिस्तान में जो नहीं नज़र आते. मेरा चैलेंज दो तरह का होता है. एक होता है ना वो लोग जो आपको रोज़ किसी टीवी पे नज़र आते हैं एक वो लोग होते हैं जो जिसे कहते हैं ना कि जी अनसंग हीरोज अब छुप के काम कर रहे हैं और इस मुल्क के लिए काम कर रहे हैं. आसिफ भाई बताएं कि अपने बारे में थोड़ा सा बताएं कि कहाँ से यू स्टार्टेड योर जर्नी और मैटर डेवलप किया एंड यू लैंडेड माशाल्लाह एज अ सीईओ. मैंने ग्रेजुएट किया आईबीए से 93 में कराची आईबीए से और फिर उसके बाद ये एक्सपेक्टेड था कि फैमिली बिजनेस ज्वाइन करेंगे. तो मेरे वालिद साहब ने 1983 में मैक्टर एक्वायर की थी. एग्जिस्टिंग कंपनी थी एंड उस वक्त उसके 2.5 मिलियन रुपीस उन्होंने पे किए थे. तो डॉलर टर्म्स में समझे $200,000 की 1983 में इन्वेस्टमेंट थी. डॉलर उस ज़माने में 13 रुपये का होता था. तो वाले साहब ने शुरू किया. वाले साहब का बैकग्राउंड ये था कि वो इंडिया से माइग्रेट करके आए थे लेट 50s में. फिर उन्होंने जो है वो बहुत मुश्किल से अपने आप को इस्टेब्लिश किया यहाँ पे. ही स्टार्टेड ऑफ एज अ क्लर्क इन KDA. फिर ही गॉट एन ओपनिंग इन कस्टम्स अगेन एट द एंट्री लेवल. फिर ओवर द नेक्स्ट 15 to 20 years माशाल्लाह उन्होंने तरक्की की है. ही वॉज प्रिंसिपल अप्रेजर. ही वॉज 42 एट दैट टाइम व्हेन ही डिसाइडेड दैट ही विल स्टार्ट हिज ओन बिजनेस. तो उस वक्त फिर उन्होंने इस कंपनी को जो है वो अक्वायर किया और उनकी नीयत ये थी कि फार्मास्यूटिकल्स है एक नोबल कॉलिंग है और इसके अंदर जो है वो मैं एक एथिकल लाइवलीहुड जो है अपने लिए अपनी फैमिली के लिए अर्न करने पाऊँगा. तो उनकी नीयत यहाँ से थी. उनका बैकग्राउंड साइंस का नहीं था बिजनेस का नहीं था. वो फर्स्ट जनरेशन बिजनेसमैन थे. सो यू कैन इमेजिन कि स्टार्टअप्स में कितने चैलेंजेस होते हैं. और मेरा सो ही स्टार्टेड एंड यू नो एंड सो व्हेन आई जॉइंड इट वाज ऑलरेडी 10 years ओल्ड. आई जॉइंड इन 1994 में मैंने ज्वाइन किया. और आफ्टर योर ग्रेजुएशन आफ्टर माय ग्रेजुएशन इन 1993 मैंने ज्वाइन किया और फिर उस वक्त से मैं कंपनी के साथ इंगेज. रेस्ट इज हिस्ट्री. मतलब पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर कंटिन्यू किया. हाँ आई थिंक कि अल्लाह ताला हैज बीन वेरी काइंड एंड आई थिंक वी वर वेरी लकी कि जो वालिद साहब का लीडरशिप स्टाइल था वो हमें इनक्रेज करते थे. मैंने ज्वाइन किया एट द सेम टाइम माय ब्रदर हु इज अ केमिकल इंजीनियर उन्होंने भी 92 में ज्वाइन किया था. तो मोर और लेस वी ज्वाइन एट द सेम टाइम 2008-09 में. फिर एज पर द फैमिली डिसीशन द ट्रांजिशन टुक एंड यू नो द सेकेंड जनरेशन केम ओवर एंड आई वॉज selected to be the CEO of the organization. 2008 से फिर मैं जो हूँ. आपने किया सर. थैंक यू वेरी मच फॉर इनलाइटिंग दिस जर्नी. आसिफ भाई एक छोटी सी बात बताइए कि जब कोई CEO अपना बनता है तो वो उसकी एक रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के साथ उसकी कुछ चैलेंजेस भी होते हैं. कुछ उसकी क्या चैलेंजेस एक CEO को फेस करने पड़ते हैं एंड व्हाट काइंड ऑफ द क्या कहते हैं अपॉर्चुनिटीज एंड चैलेंजेस. आपने क्या चैलेंजेस फेस किए और क्या आपको कॉम्पिटेंस चाहिए टू ओवरकम दीज चैलेंजेस. सो जब 2008-09 में यू नो द फैमिली सेलेक्टेड मी फॉर दिस. आई एम द यंगर ब्रदर सो इट वाजंट बेस्ड अपॉन के हु इज ओल्डर. यस दैट इज व्हाट आई एम आस्किंग. सो इट वाज बेस्ड अपॉन तो ये द ट्रांजिशनल द जनरेशनल ट्रांजिशंस आर डिफिकल्ट.
बिकॉज उसके अंदर एक इश्यूज होते हैं लीडरशिप के, कंट्रोल के, डिसीशन मेकिंग स्टाइल्स के. वी वर वेरी लकी दैट बिकॉज ऑफ बीइंग अ वेरी क्लोज निट फैमिली एंड हैविंग एन एग्रीड फ्रेमवर्क फॉर डिसीशन मेकिंग. तो हमारे यहाँ ये बिल्कुल क्लियर था कि चीज़ें मेरिट में होंगी जो भी होंगी, और ये भी बिल्कुल क्लियर था कि इन केस ऑफ एनी डिस्प्यूट्स थिंग्स विल बी रिजॉल्वड एज पर इस्लामिक गाइडलाइंस. तो इसमें कोई वो नहीं था, इसमें ये था कि भाई मसला होगा जो जैसे गाइडेंस हमें मिल रही है उसकी बेसिस पे फैसला करेंगे, छोटे बड़े का इसमें मामला नहीं. तो अल्हम्दुलिल्लाह वी वर लकी, और ये बहुत कम होता है, बट आई थिंक कि माई फादर इन हिज लाइफ टाइम he not only empowered us in terms of giving us executive positions and taking a step back, but he also at the same time, you know, transferred shareholding to us, so and to the next generation, ताकि वो issues ही ना हो जो कि generational transition के अंदर. सर आपने बहुत important point की तरफ लेके आ रहे हैं. मैं बल्कि question आसिफ भाई से पूछता हूँ कि पाकिस्तान के बहुत बड़ा dilemma है, challenge है, वो है family और businesses जो होते हैं वो एक stuck हो जाते हैं एक one person सेठ की company या सेठ के साथ ना, जबकि जो professionalism है या professionally managed companies होती हैं वो जब बन जाती है तो उनका survival उनकी, वरना दूसरी तीसरी generation में अगर one person जो के ऊपर डिपेंड करें तो कंपनी खत्म हो जाती है. तो फैमिली ओन बिजनेसेस से प्रोफेशनली मैनेज्ड बिजनेसेस को आपने शिफ्ट किया, क्या चैलेंजेस आए और क्या समझते हैं कि क्या बेनिफिट्स हैं ताकि दूसरे जो सेठ बैठे हुए हैं वन मैन शो जो होता है उसको खत्म किया जाए. बिल्कुल. सो ये चीज इज वेरी क्लोज टू माय हार्ट एंड एवर सिंस वी केम इन यू नो एज द सेकंड जनरेशन, तो मैं और मेरे बड़े भाई हम लोग क्लियर थे कि वी वॉन्ट टू क्रिएट एन ऑर्गेनाइजेशन विच इज़ नॉट इंडिविजुअल डिपेंडेंट. यस. फॉर इट टू हैव लॉन्जिविटी, सस्टेनेबिलिटी, इट नीड्स टू बी रन ऑन प्रिंसिपल्स एंड इट नीड्स टू बी रन ऑन यू नो अ फ्रेमवर्क जो कि आपको सस्टेनेंस दे. तो हम लोग का जो रोल था जो हमने सेल किया विद इन द फैमिली वो ये था कि वी शुड बी वर्किंग इन सच अ वे दैट आज तो सही है, आज मेरी क्वालिफिकेशन है, मेरे भाई की क्वालिफिकेशन है, इस स्टेज के ऊपर कंपनी को शायद हमसे बेहतर लोग ना मिले बिकॉज वी आर अ स्मॉल कंपनी, बट डाउन द लाइन दैट्स नॉट गोइंग टू बी द केस. डाउन द लाइन दे विल बी प्रोफेशनल्स हु विल बी बेटर देन अस. तो वो जो आपका पहला सवाल था कि उसमें जो चैलेंजेस है ना, तो उसमें सबसे बड़ा चैलेंज तो ये था कि अच्छा नाउ दैट यू आर ट्रांजिशनिंग, तो कंपनी के आप जो हाई लेवल क्वेश्चंस हैं उनको कैसे डिफाइन करते हैं विद कंसेंसस, आपका मकसद क्या है, आप क्या करना चाहते हैं, आप कैसे करना चाहते हैं, तो वो एक इंटरनल डिस्कशन. उसमें जो मिशन स्टेटमेंट है और स्टेटमेंट है कि आप क्यों हैं और उसका स्ट्रेटजी एंड ऑपरेशन, विजन है कि आप क्या करना चाहते हैं, कोर वैल्यूज क्या हैं, स्ट्रेटजी क्या है. तो चूंकि ऑब्वियसली जब बिजनेस एक अपने धारे में चल रहा होता है तो उसके अंदर बहुत सारी चीज़ें लेगेसी में चल रही होती हैं, तो ऑब्वियसली वन एस्पेक्ट इज़ टू गेट ऑल दीज थिंग्स राइट, देन टू प्लान द ट्रांजिशन, एंड देन ऑब्वियसली द चैलेंजेस ऑफ द बिजनेस इटसेल्फ कि वो फाइनेंशियली कैसे कर रहा है, उसका पोटेंशियल क्या है, कहाँ पे आगे लेके जाना है. तो वो उन सारी चीज़ों के अंदर बट आई थिंक फाउंडेशनल चीज़ें ये हैं कि आप अपनी असूल तय कर लें, आपका जो मिशन है, विजन है, वैल्यूज़ हैं उनके ऊपर एक मरतबा आप फैसला कर लें. तो फॉर एग्जांपल एक चीज़ हमने ये डिसाइड की कि हम एक कंप्लायंट तरीके से बिजनेस रन करेंगे. सो द डिटर्मिनेशन वॉज कि सही है, एक तो फार्मास्यूटिकल क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हैं लेकिन जो बिजनेस के लॉज हैं हम उनको कंप्लाई करेंगे. And we don't want to have a situation जहाँ पे हमारी double books of accounts हैं या हमारी regulatory compliances नहीं हैं, इसलिए क्योंकि we feel that ये एक principle of success है कि अगर आप कवानीन का और इखलाकी कदरों का हिफाजदारी करते हैं तो आप जो हैं वो अपने कारोबार के अंदर जो है ना उसकी फाउंडेशंस मजबूत करते हैं गोइंग फॉरवर्ड. ट्रू. तो जब हम ये कर रहे थे तो लोग हंसते थे हम पे, वो कहते थे कि आप सर्वाइव नहीं करने पाएंगे,
या देखें जो है ना वो इस पे तो फतवे हैं कि चूंकि हुकूमत इतनी करप्ट है तो टैक्स देना भी जो है ना वो इजाजत है कि आप टैक्स ना दें. और ये बहुत बड़ा चैलेंज था क्योंकि ऑब्वियसली यू नो और सबका मिजाज ये था, वो कहते थे कि आप लोग जो है ना वो गलती कर रहे हैं. तो हम उनसे कहते थे कि देखें जो तकदीर में है, जो किस्मत में है, वो पोस्ट टैक्स है, वो प्री टैक्स नहीं है. तो अगर मैं टैक्सेस दूंगा, अगर मैं कंप्लाई करने की कोशिश पूरी करूंगा तो. और हम कहते थे कि देखिए ये सारी मल्टीनेशनल्स जो ऑपरेट कर रहे हैं पूरी दुनिया के अंदर, इनके असूल क्या हैं ये इदारे. वी मेट दिस कंपनी, जर्मन कंपनी, जिसकी 30वीं पुश्त जो थी वो इस वक्त थी, यानी कि 30 जनरेशन से वो प्राइवेट लिमिटेड कंपनी जो है वो चल रही है. तो ये कैसे कर लेते हैं वो, हम लोग क्यों ये नहीं करने पाते. तो वो जो जर्नी थी हमारी कॉर्पोरेटाइजेशन की, उसके अंदर फिर हमने अपने बेसिक स्टेप्स लिए. फिर हम पब्लिक लिमिटेड हमने स्टेटस अक्वायर किया. फिर हम लिस्ट हुए 2019 में. आईपीओ नहीं किया, रिवर्स मर्जर के थ्रू किया था, लेकिन 2011-12 में हमने प्राइवेट इक्विटी इनवाइट की. तो हमारे बोर्ड के अंदर जो थे वो नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर्स थे, फाइनेंशियल इन्वेस्टर्स की रिप्रेजेंटेशन थी. तो वो जो पूरा प्रोसेस था कॉर्पोरेट गवर्नेंस को सेट करने का, माशाल्लाह. तो वो आई थिंक इज समथिंग विच आई थिंक दैट ऑल एंटरप्रेन्योर्स शुड कंसिडर, स्पेशली सेकेंड जनरेशन, बिकॉज फर्स्ट जनरेशन का काम सर्वाइवल का होता है, बिकॉज इट्स वेरी टफ वो एस्टैब्लिश करते हैं, एस्टैब्लिश करना. और बट सेकेंड जनरेशन को अब उसको इंस्टीट्यूशनलाइज करना, कंसोलिडेट करना है उसकी बुनियादें. तो दिस हैज बीन द फोकस, यू नो, माइंड फोकस एंड माय ब्रदर्स फोकस, एंड दैट्स व्हाट वी. और आगे सक्सेशन की क्या स्ट्रेटजी है? देखिए सक्सेशन की स्ट्रेटजी जो थी ना वो ये है कि अगर बच्चे चाहते हैं, सेकेंड जनरेशन चाहती है कि वो बिजनेस में आए, तो वो अपने आप को प्रूफ करें आउटसाइड ऑफ मैटर, और फिर मेरिट के ऊपर जो है. ये नहीं कि बच्चा बाकी गोद में खेलता खेलता एमडी बन जाए. ये सक्सेशन प्लानिंग सीरियस है, क्योंकि कंपनी सेकंड या थर्ड जनरेशन में नहीं जा पाती. जी, ये कुछ फैमिलीज बहुत अच्छे तरीके से करती हैं. उनका एक मिजाज होता है कि वो अपनी सेकंड जनरेशन को बहुत अर्ली एज से बिजनेस में इंट्रोड्यूस करते हैं, उनको ग्रूम करते हैं कि वो लेकर आए. अच्छा, मैंने ये मतलब मेरी पर्सनल वो ये है कि आज बच्चों को पहली तो ये फ्रीडम दी जाए कि जहाँ पे उनका पैशन है, जहाँ पे उनका इंटरेस्ट है, वो उस फील्ड को तलाश करें. अगर वो कोइंसाइड करता है विद द बिजनेस तो ज़रूर आएं, लेकिन फिर मेरिट के ऊपर आएं. बिकॉज अगर आप मेरिट ऊपर से नहीं लेकर आएंगे तो फिर इदारे के अंदर मेरिट जो है ना नहीं चलने पाएगा. तो आई एम क्लियर कि अगर बच्चे आएंगे भी तो वो लेटर एज में आएंगे, वो मैटर के बाहर अपने आप को प्रूफ करेंगे तो उनको कोई एग्जीक्यूटिव पोजीशन मिलेगी. अदरवाइज अल्हम्दुलिल्लाह उनका फाइनेंशियल फ्यूचर तो सिक्योर्ड है ही ना, मतलब दे ऑलरेडी हैव बाय वर्च्यू ऑफ देयर शेयर होल्डिंग या डायरेक्टर्स जो होते हैं, उनको तो मतलब विरासत के अंदर उनको मिलना ही है. सर आगे चलते हैं, व्हाट इज लीडरशिप टू यू? सर देखिए, हाउ डू यू डिफाइन लीडरशिप? हाँ, आई थिंक वन ऑफ द थिंग्स व्हिच आई लर्नड एंड आई एम रियली ग्रेटफुल टू द टीचर एंड द मैनेजमेंट कंसल्टेंट जिनसे मैंने सीखा, उनका जो कुलिया था वो ये था कि अगर आप लोगों से पूछें तो लोग कहते हैं कि मैनेजमेंट ये है कि लोगों से काम करवाया जाए. असल में काम के ज़रिए लोगों को डेवलप करना जो है ना वो मैनेजमेंट है, यानी कि यू यूज़ वर्क टू डेवलप पीपल. वेरी गुड, काम ने तो होना ही है. जैसे आप सल्लम से जो है, आप सल्लम ने साहबी से पूछा कि तुमने खिड़की क्यों बनाई है, तो उन्होंने कहा ताकि इससे जो है ना वो हवा आए, रोशनी आए. उन्होंने कहा वो तो वैसे ही आनी है, तुम नियत ये करो कि इससे अजान की आवाज़ आए. वाह वाह वाह, तो ब्यूटीफुल. काम तो होना ही है. अब अगर मैं ये नियत बनाता हूँ कि मुझे लोगों से काम करवाना है, तो इस नियत के अंदर जो है ना एक कंडीशनैलिटी है, एक गिव एंड टेक है कि मैं आपसे क्योंकि काम करवाना चाहता हूं तो लिहाजा आपको मैं जो है ना वो इंगेज कर रहा हूं. इसका उलट ये है कि मैं ये नियत बनाऊं कि काम तो होना ही है, लेकिन इस काम के ज़रिए मुझे अपने टीम मेंबर को कामयाब करना है. जब मैं ये नियत बनाता हूं तो अब मेरी नियत बेनिवलेंट है. सही है. तो लीडरशिप मेरे लिए ये है सबसे पहले कि लीडरशिप जो है ना उसकी नियत क्रिटिकल है.
उसकी इंटेंट जो है, उसकी इंटेंट क्रिटिकल है. इंटेंट मस्ट बी बेनेवोलेंट. बेनेवोलेंट इंटेंट से मुराद ये है कि द फोकस इज टूवर्ड्स द अदर. अपनी ज़ाती फ़ायदा नहीं है, दूसरे का फ़ायदा है. और नंबर दो के जो भी आप जिस भी इंडस्ट्री के अंदर हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं, उससे किसी को नुकसान नहीं हो रहा और आप लोगों के फ़ायदे के लिए काम कर रहे हैं. तो सो पहली बात तो नीयत की है. सो यू आर मेकिंग अ पॉजिटिव कॉन्ट्रीब्यूशन थ्रू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस एंड देर इज़ नो हार्म टू द सोसाइटी. देर इज़ ओनली बेनिफिट थ्रू योर प्रोडक्ट एंड सर्विस. एंड नंबर टू, यू आर डूइंग इट नॉट फॉर योर ओन सेक. योर प्राइमरी इंटेंट इज़ टू बेनिफिट अदर्स. तो एक तो नीयत हो गई. दूसरी लीडरशिप मेरी नज़र में ये है कि किसी भी लेवल के ऊपर लीडरशिप एग्जिस्ट करती है. लीडरशिप के हर लेवल के ऊपर किसी भी सिचुएशन के अंदर प्रिंसिपल जो आपने तय करना है ना, कि इस सिचुएशन के अंदर कौन से असूल ऑपरेटिव हैं, कौन सी वैल्यूज़ ऑपरेटिव हैं, ताकि आप डायरेक्शनली ये फैसला कर लें कि इसके अंदर कामयाबी किस चीज़ से है. वाह. सो आई कैन इन एनी गिवन सिचुएशन, अगर मैं असूलों को भूलूंगा और अगर मैं अपनी कोर वैल्यूज़ को पसे पुश करूंगा तो मेरा डायरेक्शन कहीं और चला जाएगा. तो दूसरा काम मेरा ख्याल है लीडरशिप का ये है कि वो हर सिचुएशन के अंदर जो ऑपरेटिव प्रिंसिपल्स हैं, यूनिवर्सल प्रिंसिपल्स हैं और जो आपकी कोर वैल्यूज़ हैं, उनके हिसाब से एक कामयाबी अलाइनमेंट होनी चाहिए. तीसरा ये कि लीडरशिप आई थिंक रिक्वायर्स के देर इज़ अ सीरियस फोकस ऑन महारत, ऑन कॉम्पिटेंस. आई डोंट थिंक दैट लीडरशिप जो है वो कारगर हो सकती है, इम्पैक्टफुल हो सकती है, अगर उसके अंदर काबिलियत ना हो. तो अपनी काबिलियत पे फोकस करना, दिस इज़ अ जर्नी. यू कीप यू लर्न यू कंटिन्यूसली लर्न ईच डे. You keep the organization values aligned, principles aligned. A loving organization. And you keep the organization true to your vision. So I think package of leadership. Package of leadership. वो एक बड़ी प्यारी नीयत की बात की ना, तो वास्तव अली वास्तव था का मैं शागिर्द हूँ. वो क्या करते थे कि नीयत के ऊपर कहते थे कि जी फल होता है ना दरख्तों पर नहीं लगता, नीयतों पर लगता है. आपकी इंटेंशन ठीक है और इंटेंशन इंटेंट एंड कॉम्पिटेंस मॉडल है बेसिकली ये. इंटेंट एंड कॉम्पिटेंस क्या आप उसके साथ अलाइनमेंट करेंगे तो फिर आपकी हारमोनी में होगी, तो आपको वो शॉक्स नहीं लगेंगे. शॉक अब्जॉर्वर हैं ये आपके. सर आगे चलते हैं. जिंदगी में जो सीईओ होता है ना, सबसे इंपॉर्टेंट उसकी जो केपीआईज है ना सर, नंबर वन केपीआई वो डिसीजन मेकिंग स्किल्स है. हर वक्त नेगोशिएशन या डिसीजन मेकिंग. आपने आसिफ ने यानी कि आपकी फैमिली ने क्या डिफ़िकल्ट डिसीजंस किए कि आज माशाल्लाह मैक्टर इज़ वन ऑफ द लीडिंग कंपनी इन फार्मास्यूटिकल. सो देखिए मेरा ये ख्याल है कि हमेशा जो टफर डिसीजंस होते हैं ना, वो ही फैसले होते हैं जो बड़े फैसले होते हैं, जो आप वैल्यूज़ के ऊपर, प्रिंसिपल्स के ऊपर अपने डायरेक्शनल फैसले करते हैं. ऑपरेशनल फैसलों के अंदर आपको जो है वो मौका मिलता है चीज़ों को. तो one of the toughest decisions which I think we had to grapple with was number one, ki hum apne business ko koshish karenge ki wo sharia compliant ho. Okay, very good. So kyunki my father was a first generation businessman, he had limited or no capital. Mactor was completely debt levered. यानी कि आप सुन के परेशान होंगे. हाँ, इट वॉज बिकॉज ही हैड नो कैपिटल स्टार्ट ऑफ विथ. सो एवरीथिंग वॉज वेन वी जॉइंट डेट वॉज 90% ऑफ द बैलेंस शीट, राइट? एंड ऑब्वियसली वेन यू हैव डेट, यू नो यू आर ग्रोइंग ऑब्वियसली, बट आपके ऊपर एक अच्छा. सो दैट रियलाइजेशन, उस जमाने में इस्लामिक बैंक्स नहीं थे, तो वो एक फैसला करना कि वी शुड बी out of debt, for example, because of Sharia reasons. But not just debt, it's how you run your entire operation. So Sharia compliance or, you know, or any ethical framework jisko aap follow kare, chahe wo mulk ka ho ya usse bhi badh ke koi cheez ho, usko uske upar align karna ke, because wo conventional cheezon ke andar aapko usse challenges aane shuru hote hain. So, and you know, how you run your operations, how your relations are with your employees. For example,
बहुत सारे बिजनेसेस अनफॉर्चुनेटली फेयर वेज नहीं पे कर रहे होते, इवन जो मैंडेटरी वेजेस हैं उनको नहीं दे रहे होते. लेबर के साथ आपके ताल्लुकात इस पार्ट ऑफ एन एथिकल कंप्लायंस यू नो डायरेक्शन. आप हुकूमती इदारों के साथ कैसे इंटरेक्ट करते हैं? यू नो इट्स एक्सट्रीमली चैलेंजिंग, बट वेयर डू यू ड्रॉ योर लाइंस? इट्स एथिकल कंप्लायंस इज ऑलवेज अ टफ हालांकि कुछ आंसरेबल नहीं होते कि चीज़ों को, लेकिन वो आपका आपका इंटरनल आपकी बैलेंस करना है, आपको बैलेंस करना है और आपको उसमें बेहतरी की कोशिश करनी है. सो आई थिंक दोज द इस्लामिक मतलब डेट से बाहर निकलना, आई थिंक दैट वाज अ बिग एस सेइंग कि नहीं, हम लोग पूरी इंटेंट से कोशिश करेंगे कि वी वॉन्ट टू बी अ कंप्लायंट फर्म. आई थिंक दैट वॉज अ बिग चैलेंज. So, you know, I think those are the tougher challenges and questions that we've asked ourselves over the years and tried to, you know, mold ourselves into those. जबरदस्त है सर. मुझे ये बताइए कि जिंदगी के अंदर जो स्ट्रेस है एक सीईओ की, खासकर जो पाकिस्तान इज पासिंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम्स, स्पेशली इन वॉलेटिलिटी एंड अनसर्टेनिटी एट द पीक, पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी और ये बिजनेसेस की और डॉलर डिस्पैरिटी एंड बलाबल, इतने चैलेंजेस आ रहे हैं. एक सीईओ जो होते हैं, एक स्ट्रेस जो होते हैं, उसको पार्ट है, फैक्ट ऑफ लाइफ है. हाउ डू यू मैनेज एंड कोपिंग स्ट्रेटजीज ऑफ आसिफ मिसबा की क्या हैं? क्या तीन काम ऐसे करते हैं जब जिंदगी थोड़ी सी डिमांड्स ऑफ लाइफ बढ़ जाती हैं, तो क्या करते हैं? देखिए, आई थिंक फर्स्ट ऑफ ऑल इज़ योर कोर बिलीफ इन माइंड सेट, राइट? कि जो भी हालात आ रहे हैं, दे आर कमिंग एज पार्ट ऑफ अ ग्रेटर डिज़ाइन, एंड हमारा जो रोल है या जो हमारा जो हमारे स्फेयर ऑफ इन्फ्लुएंस में चीज़ है, वो हमारा अपना अमल है. सो देयरफॉर we have clarity and we have a confidence that as long as we are aligning ourselves to higher principles, things will and we can try to do the right thing, things will take care of themselves. So bahut bade bade challenges har tarah ke obviously is 30 saal ki journey mein aaye hain, lekin alhamdulillah kabhi mayusi ya kabhi despondency ya kabhi hopelessness set nahi hui. Because, you know, that's really not in our hands, right? So things, the results are not in our control. What is in our control? तो मैं हमेशा आपके पास एरिया ऑफ इन्फ्लुएंस की पॉजिटिविटी रहती है कि यार जो मैं कर सकता हूँ मैं कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा. ठीक, बड़ी प्यारी बात. आई थिंक दैट्स एन इम्पॉर्टेंट थिंग. दूसरा ये कि ऑब्वियसली टू यू नो गिविंग ईच सिचुएशन इट्स ड्यू, विच मीन्स के जो असबाबी चीज़ें अख्तियार करने की हैं उसके अंदर, बिकॉज देखें जो भी चैलेंज आ रहा है, जो भी फेलियर हो रहा है, वो फीडबैक है. सो टू बी अ लर्निंग ऑर्गेनाइजेशन, वॉट यू नो आई ट्राई टू डू इज के ऑलवेज टेक फेलियर और यू नो वेरिएशन एज फीडबैक टू लर्न फ्रॉम इट and to improve upon it and to have the same dialogue and culture in the company ke bhai kaam karenge to galtiyan hongi, to galtiyan ka koi masla nahi hai, lekin galtiyon se seekhna, usse systems ko improve karna, apne processes ko improve karna, usse apne aap ko benchmark karke improve karna, ye. Aur teesra ye ke at a personal level I take care of my health. ye pehli jab mujhe kisi cheez pe banna to usse health aati nahi ho, bechare burn out ho jate hain. I think especially you know when you're younger it's easier to get away with it, but as you get old I make sure that at least 3 hours a week I spend on my health. So that's budgeted. तो जिम करते हैं, वर्कआउट होता है या कोई रेगुलर वॉक है, स्विमिंग है, क्या आपकी लाइफस्टाइल में? जब मैं इन माई यूनिवर्सिटी डेज, कॉलेज डेज, तो मैं वेट ट्रेनिंग बहुत करता था. अच्छा. फिर अब पिछले 5 साल से मैं मार्शल आर्ट्स करता हूँ. अभी भी कर रहे हैं मार्शल आर्ट्स? अभी नहीं, मैंने 47 पे शुरू किए, 46-47 पे शुरू की जी. मुझे बहुत शौक था. रियली? या, एंड आई थॉट दैट आई शुड डू. वाओ, फर्स्ट टाइम आई एम हियरिंग. सर, डिसिप्लिन से कहता है, सेल्फ कंट्रोल इज अ की. जी बिल्कुल, ऐसा ही. ये मार्शल आर्ट्स के अंदर मरुस्तार ने कहा था, तुम्हारी जब तुम्हें हो जाएगा दिल करेगा पैंटी लगाने को, लड़ाई करने को, यही तुम्हारा, आई होप नॉट, यही तुम्हारा सेल्फ कंट्रोल है कि तुमने लड़ना नहीं है. जी जी, बड़ी खूबसूरत चीज. सर, दो तीन छोटी छोटी चीजें, सक्सेस को अगर 3 की वर्ड्स में बोला जाए तो क्या होगा? कामयाबी का क्या मंत्र है आसिफ भाई का? कामयाबी का मंत्र ये है कि आखिरत में कामयाबी हो. बिल्कुल जबरदस्त.
और दुनियावी मामलात में चूँकि अब मैं इस मेरी एक कॉलिंग है, मैं एक मैनेजमेंट प्रोफेशनल हूँ, मैं हेल्थ केयर के अंदर हूँ, तो मैं चाहूँगा कि जब मैं इस दुनिया से जाऊँ और पीछे पलट के ज़िंदगी को देखूँ तो मुझे मैं सेटिस्फैक्शन हो मुझे कि आई डिड माय आई मैं प्लेड माय इनिंग वेरी वेल आई प्लेड माय इनिंग वेरी वेल मैंने अपनी सीखी अपनी सेंचुरी बना ली है सेंचुरी बनाई ना बनाई लेकिन कोशिश की अच्छी किया मैंने स्ट्रेस के अंदर आके बल्ला पकड़ा विद ऑल माय लिमिटेशंस विद ऑल माय इजाज़ साहब मतलब दिस इज नॉट आउट ऑफ एनी फेंड ह्यूमिलिटी बट मैं कोई बहुत इंटेलिजेंट नहीं हूँ मैं कोई बहुत ज़्यादा डिसिप्लिन नहीं हूँ मेरी पर्सनालिटी जो है वो जो 16 पर्सनालिटी के टाइप्स होते हैं उसके अंदर मैं एक फ्लेक्सिबल स्पॉन्टेनियस किस्म का बंदा हूँ माशाल्लाह सो मेरी एक मेरे अंदर बहुत सारी जो है वो गैप्स हैं बस मैं ये कि उनको कोशिश कर रहा हूँ कि बेहतर हूँ और उन्हीं गैप्स के साथ आई होप के यू नो पीपल विल रिमेंबर मी सर देखिए दिस इज ह्यूमन जो इंसान का वाइट और ब्लैक है जो ग्रे होता है ना टच ही हर इंसान का है बिल्कुल कोई वाइट नहीं है तो कोई ब्लैक नहीं है तो इंसान का होता है सर आखिर में दो तीन चीज़ें बुक्स के ऊपर आज मैंने अपनी कुछ किताबें देखी मेरा गो की लाइब्रेरी है बड़ी है और सीईओ जैसे हार्वर्ड की रिसर्च कहती है कि एनुअली सीईओ रीड्स आउट 50 बुक्स पर एनम जी अच्छे जो सीईओ दुनिया के ग्लोबल सीईओ हैं मिस साहब आसिफ भाई आप कितने पढ़ती हैं किताबें दो तीन किताबें रिकमेंड कर दें हमारे सुनने वाले देख रहे हैं आई विल कीप दीज बुक्स इन माई लाइब्रेरी अच्छा देखिए फ्रॉम a self-development perspective and I think which is key right ke aapka jo hai wo aapki zati practice as a leader kaise improvement ke liye improvement you know your self-development I think there is 7 habits ko to main sabko aankh band karke recommend karta hu right so I think that is I am certified trainer of seven habits so ha 7 habits I think main one of the finest meri khwahish hai ki hamare universities colleges ke andar na syllabus nahi ho syllabus urdu mein karke usko इकबालियात के साथ मिलाकर उसको जो है ना वो दिया जाए तो आई थिंक आई समटाइम्स विश काश मैंने ये अपने कॉलेज डेज में पढ़ी होती किताब सो आई थिंक पर्सनल डेवलपमेंट में अच्छा उसी के साथ जो जिस जिन साहब की मैं बात कर रहा था जिनसे मैंने मतलब ये नियत क्या सीखा तो ये एट्सको स्केटमा है इज अ साउथ अफ्रीकन ट्रेनिंग किया हुआ मैंने जी तो उनकी जो केयर एंड ग्रोथ मॉडल है ग्रो मॉडल जो पर्सनल एक्सीलेंस और लीडरशिप का फ्रेमवर्क है वो फिनोमिनल है वो पूरा जो है वो इंटेंट बेस्ड है Intention. और आपकी जो है ना पर्सनल एफर्ट बेस्ड है और वो बहुत पावरफुल मॉडल है और वो सुन्नत बेस्ड है तो आई थिंक इट हैज वंडरफुल प्रिंसिपल्स एंड इट्स अ ग्लोबल मॉडल यू नो तो जब हम मैनेजमेंट की तरफ आते हैं तो आई वुड रिकमेंड यू नो स्ट्रैटेजी मैप्स ये स्ट्रैटेजी मैप्स बेसिकली एक सीरीज थी बैलेंस स्कोर कार्ड की बैलेंस स्कोर कार्ड की एक सीरीज थी 6-7 बुक्स की उसकी जो सेकंड बुक थी उसका नाम था स्ट्रैटेजी मैप्स और स्ट्रैटेजी मैप्स ऑथर कौन था ये डेविड कैपलन एंड नॉर्टन ये दो उन्हीं की ये वो किताब है और स्ट्रैटेजी मैप्स ऐसी किताब है जो कि मेरी रेफरेंस बुक है और मैंने मैनेजमेंट उस किताब से सीखी यानी कि जो प्रैक्टिस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो मैं आई वाज यू नो ट्रेन्ड मैंने पढ़ाई की फिर मैंने प्रैक्टिस किया लेकिन जब वो किताब पढ़ी तो उसने बहुत सारे पैराडाइम्स बस किए और बहुत ही अमेजिंग किताब है स्ट्रैटेजी मैप्स आना चाहिए बिकॉज हुआ ये कि जब हम कोई जुबान पढ़ते हैं ना तो उस जुबान के साथ उसकी कदरें भी हमारे अंदर आती हैं तो हम जब हमने पूरी ज़िंदगी इंग्लिश के साथ गुजारी तो उससे इतने इंटीमेट हुए तो ना चाहते हुए भी हमारे अंदर बहुत सारी ऐसी वैल्यूज़ हैं जो कि वेस्टर्न इंग्लिश वैल्यूज़ हैं एंड दे आर पार्ट ऑफ आर यू नो ऑफ आर कोर और वो कहीं ना कहीं जो है वो उनका तजाद होता है हमारी कल्चरल वैल्यूज़ के साथ वो बहुत बाद में बात समझ में आती है लेकिन बच्चों को भी मैं देखता हूँ तो बच्चे माशाल्लाह उसी ट्रेंड पे हैं तो वो सब के सब जो हैं वो मतलब जितने इंटीमेट अंग्रेजी के साथ हैं दूर दूर तक आज का नया बच्चा पार्टी तो टोटल दे आर वेरी गुड सर सेकंड लास्ट क्वेश्चन छोटा सा कि हैप्पीनेस आज का एक सबसे बड़ा सब्जेक्ट कहते हैं कि न्यू रिच इज टू बी हैप्पी आज का जो आफ्टर दिस कोविड आया बड़ा सीरियस इशूज आए हैप्पीनेस को कैसे आप अपने अल्फाज में कैसे बयान करते हैं आइदर अंग्रेजी या उर्दू इसमें तो मुझे कोई शक नहीं है कि आदमी इंसान उसी वक्त इस दुनिया में
खुश रह सकता है जब उसका ताल्लुक अल्लाह ताला के साथ हो. सुभान अल्लाह. तो इसके अलावा एंड इफ दैट इज़ देयर देन यू आर हैप्पी पर्सन. एंड टू द एक्सटेंट दैट यू आर अवे फ्रॉम अल्लाह ताला, ये होता है हम सब के साथ, जितना दूर होते हैं उतनी ज़िंदगी जो है वो तंग हो जाती है, उसमें से बरकत चली जाती है. और जितना करीब होते हैं, चाहे दुनियावी चीज़ें हों ना हों, आप मुतमईन होते हैं, खुश होते हैं. और अपने मकसद, क्योंकि देखें असल मकसद तो हमारी तख्लीक का मकसद है, तो उसको हम इग्नोर नहीं कर सकते. आई थिंक दैट्स हैप्पीनेस फॉर मी. सिंपल. वो वासफ अली वासफ साहब कहते थे ना कि एक अल्लाह की मर्ज़ी है और एक बंदे की मर्ज़ी है. जी. अगर अल्लाह की मर्ज़ी और बंदे की मर्ज़ी में फासला हो जाए तो डिप्रेशन है. जी. और वो फासला ख़त्म हो जाए तो खुशी है. ऐसा ही है. ऐसा ही है. वो जो फासला अगर अल्लाह की मर्ज़ी का और ख़त्म हो जाए तो जी. ये मतलब ये इजाज़ भाई, ये बातें वो हैं जो हम सुनते हैं समझते हैं लेकिन प्रैक्टिस में नहीं आते. लेकिन जब हम एक्चुअली जब ज़िंदगी में उसको अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंस में जब देखते हैं ना, तो फिर उसके ऊपर यकीन आता है. मतलब मैं सोचता हूँ कि हम अपनी नेक्स्ट जनरेशन से, यूथ से बातें करते हैं तो वो असर ज़रूर लेंगे, लेकिन असल असर वो है, यू नो, व्हेन यू एक्चुअली ट्राई टू लिव विद दीज प्रिंसिपल्स एंड देन यू रियलाइज किया, अच्छा पहली ज़िंदगी मेरी ऐसी थी, अब ऐसी है. इट्स योर ओन यू नो एक्सपीरियंस एंड आई थिंक दैट्स द वॉक द टॉक. यू गेट द कन्विक्शन एंड आई सिंसियरली बिलीव कि दिस इज़ You know what happiness is. आपने जो बात की ना, मैं उसका बहुत ज़्यादा उसको प्रोपोगेट भी करता हूँ और उसको लिव माई सेल्फ पर्सनली. वही यकीन कामिल मेरी ज़िंदगी का हासिल है, क्योंकि ज़िंदगी जितनी भी प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किलें हैं ज़िंदगी में, चैलेंजेस क्राइसिस आते हैं, अगर आपके पास यकीन, और यकीन के भी लेवल होता है ना, कि एक आपका यकीन एनुल यकीन है, जो एक हक्ल यकीन है, एक आप अपना इल्मुल यकीन है. लेकिन यकीन कामिल जो होता है ना, कि आपको अंदर आपको कोई, हम लोग कहते हैं हम पक्के डाई आर्ट फंडामेंट तो कोई चेक नहीं है चीज़ों के ऊपर, कोई बिलीव इन कोई अल्हम्दुलिल्लाह. एंड इजाज़ भाई, ये मेरी पर्सनल जर्नी जो है, इट टुक मी फ्रॉम बीइंग समवन हु वाज कंप्लीटली अनअवेयर और वेरी लो लेवल्स ऑफ अवेयरनेस अबाउट आवर दीन अल्लाह, एंड देन यू नो कमिंग टू इट थ्रू यू नो सेल्फ स्टडी एंड स्टडी and not based upon you know ke I was born into a Muslim family. to maine isko koshish ki apne early life mein. I was lucky ke mujhe wo opportunities mili aur you know I examined things, tried to examine things and the teachings, and I came to a personal conviction that there are various models out there and various belief systems all there. essentially all of them take you to good, but ye ke जो इस्लामिक प्रिंसिपल्स हैं और जो सुन्नत के तरीके हैं, उनमें जो है ना दायमी कामयाबी है. एंड दैट्स द शॉर्टेस्ट पॉसिबल राउट टू योर क्रिएटर. एंड आई थिंक दैट अपनी ज़ाती ज़िंदगी के ऊपर मैं देखता हूँ तो मुझे अगर कामयाबी है, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बहुत ज़्यादा जो है हम सबको अपनी औकात से ज़्यादा अल्लाह ताला नवाज़ते हैं वो उसके पीछे जो है, अल्लाह सर. मैं तो इंट्रो के और गुफ्तगू चलेगी, आखिरी सवाल पूछते हैं सर. नई नस्ल जो है, बच्चे हैं हमारी, यूथ है, ये आपने भी बात जिक्र भी किया, क्या मैसेज देंगे उनको ऑप्टिमिज्म का? बहुत ज़्यादा होपलेसनेस इन दिस सोसाइटी हो रही है, पोलराइजेशन है. इफ यू आर अलाइन विद प्रिंसिपल्स विद यूनिवर्सल ट्रुथ्स, आप कामयाब होंगे चाहे कैसे भी हालात हों. और वो सारे प्रिंसिपल्स जो हमें दरकार हैं एक कामयाब ज़िंदगी गुजारने के लिए, वो सारे के सारे प्रिंसिपल्स जो हैं वो हमारी इस्लामिक टीचिंग्स के अंदर मौजूद हैं, ट्राइड एंड टेस्टेड हैं, उसमें कोई रिस्क नहीं है. जिस कदर हम उनके ऊपर इम्प्लीमेंट करेंगे, उस कदर जो है ना हमारे लिए चीज़ें खुलती चली जाएंगी, और ये अल्लाह ताला का वादा है. तो मुसलमान के लिए, फॉर अ बिलीवर, देर इज़ नो होपलेसनेस, देर शुड नेवर बी होपलेसनेस. Because we know principally that everything is in good hands and that everything is happening for a reason. We have to determine our optimal course of action given the situations. And jitni situation tough ho, usme aapka hi fayda ho raha hota hai. Kyunki tough situations se jab aap nabr-o-dazma hote hain aur jab un halaat ko abur karte hain, to aap बहुत आगे निकल चुके होते हैं. ज़िंदगी में पीछे मुड़ के देखा है, हर तकलीफ़ ने मुझे बेहतर किया है, मेरे इदारे को बेहतर किया है, ज़ाती तौर पर मुझे बेहतर किया है, बिकॉज आई हैव ऑलवेज टेकन दैट एज अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी. सो आई थिंक सर, थैंक यू वेरी मच.